हेलो दोस्तों, तो आज है सेज यूनिवर्सिटी ओरिएंटल डे का डे टू। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और आज मुझे जाना है बस से जाना, तो इसलिए मेरा भाई मुझे स्टॉप पे छोड़ता है और फिर मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है बस का, और फिर आती है हमारी बस। और हमारी बस तो एक नंबर चलती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फिर ऐसी बातें करते करते हम पहुँच जाते हैं हमारे कॉलेज। आज कॉलेज पहुँचने पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखती है, बट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कल से ज्यादा आज बहुत कम होते हैं। तो फिर हम जाते हैं वही जहाँ रोज जाते हैं, सेज हॉल। मतलब तीनों दिन का प्रोग्राम हमारा यहीं पर ही है। 10:30 पे प्रोग्राम चालू होता है। Okay, so good morning everyone. I'm my sponsor today, Zeus again. खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग चंद बनाए हैं। जिन्हें बनाया है वो लोग आज हमारी महफिल में आए। आप लोग प्लीज ताली बजाएं भाई। जंगल के राजा का सफलता का प्रतिशत सिर्फ 20 है। 5 हिरण के पीछे भागते, 4 सिंह के भाग जाते हैं, 1 का शिकार कर पाता है। याद रखना, जब जंगल के राजा का फेलियर रेट 30% है, तो आप अपने छोटे मोटे फेलियर की या जिंदगी में चिंता मत करना। जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है ना, राजा बनना है, कुछ रानी बनना, कुछ बहुत बड़ा नाम और हुनर पैदा करना है ना, तो जिंदगी में जिस दिन 2 चॉइस हो, और जो कि हर वक्त होती है, अभी भी है आपके सामने, 2 चॉइस हो, एक आसान और एक मुश्किल हो, जो मुश्किल को चुनेंगे वो राजा बनेंगे। फिर उन्होंने ट्रैफिक की एक नई परिभाषा जनरेट की उन IIM के बच्चों के। हम लोग कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के आवागमन को यातायात कहते हैं। उन बच्चों का नहीं सर, बिहेवियर ऑफ द रोड यूजर्स ऑन द रोड, सड़क के इस्तेमाल करने वालों का रोड के ऊपर व्यवहार, आप कितना नियम पालन करते हैं, कैसे आपका ट्रैफिक होगा। बेचारे हमारे सीनियर्स एंकरिंग भी करते हैं और डांस भी करते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेन अस। दे आर द मल्टी टैलेंटेड। फिर घड़ी में बचाते हैं 2 और हमारा प्रोग्राम आज हो जाता है खत्म। आज का टाइमिंग 10 से लेकर 2 PM तक का था, क्योंकि आज टीचर्स डे था। उसके बाद हमें लगने लगी भूख, तो हम लोग गए कैंटीन थोड़ा सा हमारा लंच करने के लिए। फिर हम लंच करके आते हैं कॉलेज बस के लिए। हमें 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे टाइम पास करते हैं। धूप ने, गर्मी ने हमें बेहाल किया। तो ये है हमारे कॉलेज का एक बड़ा सा नाम, सेज यूनिवर्सिटी। फिर जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनको जाना था साइन करने उनके ब्लॉक में, तो उनका ब्लॉक था फॉरेंसिक साइंस का। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये एंटिक चीज दिखती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई ये क्या है। फिर हम थोड़ी देर ऊपर गए उनके ब्लॉक में, उसके बाद उन्हें साइन करे और हम आ गए कॉलेज के बाहर। और फिर 3 भी बज चुके थे, बस के आने का टाइम हो गया। इस ब्लॉक में पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन हम काले तो जरूर हो जाएंगे, ऑब्वियसली, और थक भी जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे। देख रहे हो कैंपस ऐसा फैला हुआ है पूरे में। जाते जाते एक इंसान को सुबह से रात हो जाए और हम उस घर जाते जाते सुबह से शाम हो जाए। हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था 2 बजे, लेकिन हम घर जाएंगे 3 बजे से, 4 बजे पहुंचेंगे। आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर एंड होता है, बिकॉज आज तो हमारा कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने क्या सुने? भाषण सुने थे हम। कल आपको कुछ होगा तो बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।